लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होते ही आमिर खान को बड़ा झटका लगा है। एक्टर को उम्मीद थी कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जाकर गिरी। फिलहाल जिस तरह का बॉलीवुड में माहौल है उसे देखते हुए अब आमिर खान ने अपनी फिल्मों में काम करने की नीति बदलने का फैसला किया है। पहले वो फिल्में प्रोड्यूस करते थे और अगर प्रोड्यूसर कोई और होता तो अपनी फीस में थोड़ी रियायत देकर उससे प्रॉफिट शेयर करते थे, लेकिन लोगों द्वारा बॉलीवुड का लगातार बॉयकॉट होता देख आमिर ने अपने करियर को लेकर बदलाव करने का फैसला किया है। खबर है कि आमिर खान फिलहाल माहौल बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आने वाले दिनों में ऐसी फिल्में करने का फैसला किया है जिनमें वो प्रोड्यूसर से सीधे सीधे अपनी फीस लेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आमिर ने फिलहाल फिल्म प्रोडक्शन से दूर रहने का फैसला किया है। इसका मतलब आमिर कुछ वक्त तक फिल्में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बता दें, लाल सिंह चड्ढा आमिर ने ही प्रोड्यूस की थी जिनमें उनको नुकसान हुआ। फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर रिजेक्ट होने के बाद आमिर खान कहीं नजर नहीं आए हैं। ये भी चर्चा है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। लाल सिंह चड्ढा से पहले यशराज फिल्म्स के लिए उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान प्रॉफिट शेयरिंग की शर्त पर की थी, लेकिन प्रोड्यूसर को उस फिल्म के फ्लॉप होने से घाटा हुआ और आमिर को जिस प्रॉफिट शेयर की उम्मीद थी वो उनके खाते में नहीं आया। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले आमिर की कंपनी एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस के रीमेक पर काम कर रही थी, लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड को देखते हुए आमिर ने वो काम रुकवा दिया। अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उस फिल्म का आगे क्या होने जा रहा है। क्या आमिर फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे या बॉलीवुड विरोधी माहौल को देखते हुए उसे बंद कर देंगे। इंडस्ट्री में चर्चा यही है कि आमिर अब ये फिल्म तभी बनाएंगे जब सिचुएशन उनके फेवर में होगी, दर्शक उनकी फिल्में पसंद करने लगेंगे। बता दें, बैक टू बैक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा पिटने के बाद इंडस्ट्री में आमिर की स्टार वैल्यू पर फर्क पड़ा है। टी सीरीज कंपनी उन्हें लेकर मोगुल नाम की जिस फिल्म को प्लान कर रही थी उसे अब डिब्बे में बंद कर दिया गया है। ये फिल्म गुलशन कुमार की बायोपिक है जिसमें आमिर खान काम करने वाले थे। लाल सिंह चड्ढा के चलते आमिर के करियर पर बुरा असर पड़ा है। एक्टर के किसी नए प्रोजेक्ट का ऑफिशियली ऐलान अभी नहीं हुआ है। फ्लॉप फिल्म्स देने के चलते प्रोडक्शन हाउस को भी घाटा हो गया है। इस तरह की खबरें जोरों पर हैं। 11 अगस्त को रिलीज हुई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्विटर पर पहले से बॉयकॉट हो रहा था और अब रिलीज हुई फिल्म तो लोगों ने सड़क पर उतरकर फिल्म का विरोध किया, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 180 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म 60 करोड़ का कारोबार भी नहीं कर पाई। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान ने जो ये फैसला लिया है वो उनके लिए ठीक साबित होता है या नहीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।